Dear students, your today's class second subject is GK. आज की आपकी क्लास का सेकेंड सब्जेक्ट है GK. So all of you take out your general awareness book. आप सभी अपनी GK की general awareness book निकालिए. GK सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है my home. My home is मेरा घर. This is my home from inside. इसमें आपको अपने घर के बारे में बताया है कि आपका घर कैसा होता है, कौन कौन से रूम में क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं, उनके नेम्स आपको बताना है. ये देखिए, This is my home from inside. ये जो मेरा घर है वो अंदर से कैसा है, अंदर बैक में सबसे पीछे क्या होता है, किचन होता है, और किचन में क्या करते हैं, मम्मा खाना बनाती हैं. और इधर एक गार्डन भी दिया हुआ है जिसमें पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, और यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है, डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं. तो इनसाइड से घर कैसा होता है, क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें बताइए. डाइनिंग टेबल दिख रही है और डाइनिंग टेबल्स के चेयर्स हैं, इधर किचन है, ये आपका घर है. इसमें आपको इन सब चीजों को पहचान कर बताना है. दिस इज माई लिविंग रूम. ये मेरा लिविंग रूम है. लिविंग रूम मीन्स जो बैठक का कमरा होता है, हॉल होता है, जहां पर गेस्ट आते हैं और कोई भी मेहमान हमारे आते हैं, जिनको हम वहां बिठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग रूम. लिविंग रूम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, सोफा सेट की चेयर्स दिखाई देंगी, पास में कॉर्नर्स टेबल्स दिखाई देंगी, वॉल पर आपको सीनरीज दिखाई देंगी. ये देखिए, इधर इस वॉल पर कौन सी है, छोटी छोटी सीनरी है, और यहाँ पर फ्रंट वॉल में एक बिग साइज में सीनरी है, और विंडोज है, विंडोज में कर्टन्स लगे हुए, पर्दे लगे हुए हैं. लिविंग रूम मीन्स बैठक वाला कमरा होता है, हॉल होता है, और एक सेंटर टेबल बीच में रखी होती है जहाँ पर हम गेस्ट के लिए चाय नाश्ता सर्व करते हैं, वहां पर हम रखते हैं. तो आज आपको ये भी बताना है कि आपका जो घर है वो अंदर से कैसा दिखाई देता है, क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं. हो सकता है कि आपके घर में इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आपको किचन में दिखाई देती हो. दिस इज माय लिविंग रूम. लिविंग रूम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप आपके होम हाउस के अकॉर्डिंग मुझे बताएंगे कि आपके घर में लिविंग रूम में क्या क्या रखा होता है, और किचन में इनसाइड में जहां पर डाइनिंग टेबल रखी होती है और किचन होता है, किचन में कौन कौन सा सामान हमें दिखाई देता है, ये भी आपको बताना है. नेक्स्ट पेज पर है दिस इज माय बेडरूम. आप कौन सा पिक्चर दिया है आपको, बेडरूम का. बेडरूम में क्या होता है, बेडरूम कौन सा कमरा होता है जिसमें हम सोते हैं, उस कमरे को क्या बोलते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं, बेडरूम. बेडरूम में सबसे पहले क्या दिखाई देता है हमें, बेड जिसपे हम सोते हैं. बेड के पास ही एक टेबल लगी होती है, टेबल के ऊपर क्या रखा रहता है, नाइट लैम्प. वो बेड के पास में इसलिए लगा रहता है कि रात में जब हम उठे तो यहीं से उठकर वॉल पे जो स्विच बोर्ड्स रहते हैं उनको जलाने की बजाय, ऑन करने की बजाय, हम यहीं से लाइट को ऑन कर लें. यहाँ पर बेडरूम में एक छोटी सी विंडो भी होती है, उस पर भी देखिए कर्टन्स लगे हुए हैं, और बेड के सामने की तरफ क्या है, एक अलमारी है. अलमारी में क्या रखते हैं, कपड़े. और अलमारी के जस्ट पास में एक कबर्ड भी है, वो आपके टॉयज रखने के लिए है, उस पर देखिए एक टॉयज रखा हुआ भी है. अब ये तो पिक्चर इसमें बताया है कि बेडरूम में क्या क्या दिखाई देता है, लेकिन आपको ये बताना है कि आपके बेडरूम में आपको क्या क्या देखते हैं आप, उन सब चीजों के नेम्स आपको बताने हैं. दिस इज माय बाथरूम. ये बाथरूम का पिक्चर है जहाँ पर हम नहाते हैं, ये भी आपको बताना है. देखिए बाथरूम में वॉश बेसिन है, टॉयलेट है, इधर बकेट है, बाल्टी है, मग है,
और टॉवल भी रखा हुआ है। इधर टूथब्रश और ब्रश हैंग करने का स्टैंड लगा हुआ है। आपको यहाँ पर एक मिरर भी लगा हुआ है। जब हम ब्रश करते हैं तो वॉश बेसिन के सामने क्या लगा होता है, एक मिरर, कांच लगा होता है। आज आपको ये भी बताना है कि हमें बाथरूम में क्या क्या देखने को मिलता है, उन सब चीजों के नाम आपको बोलना है। ओके बच्चों, नाउ अवर क्लास इज वाइंड अप। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू।